हेलो एवरीवन, दिस इज मी श्वेता और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। कोई प्यार करे तो आपसे करे, तुम जैसे हो वैसे करे, और कोई अगर तुम्हें बदल कर प्यार करे तो वो प्यार नहीं सौदा है, और साहिबा प्यार में सौदा नहीं होता। जैसा कि आप जानते हैं कि आज वैलेंटाइन डे का दिन है और सभी अपने अपने वैलेंटाइन को खुश करने में लगे हुए हैं कि किस तरीके से अपने वैलेंटाइन को मनाएं और किस तरीके से अपने प्यार का इजहार करें। इस वक्त हम लोग लखनऊ की धड़कन यानी कि लव लेन मार्केट में खड़े हुए हैं, जिसमें कई लोग हमारे साथ में मौजूद हैं। वो किस तरीके से अपना वैलेंटाइन मना रहे हैं, सीधे उनसे बात करेंगे। तो क्या नाम है मैम आपका? हेलो, आई एम डॉक्टर दीक्षा मिश्रा जी, एंड आई एम अ स्टूडेंट इन सरदार पटेल डेंटल कॉलेज जी। आप मैरिड हैं या अनमैरिड? यस यस, आई एम मैरिड। तो मैम ये बताइए, आप अपना वैलेंटाइन कैसे मना रही हैं? आई एक्चुअली आई एम अवे फ्रॉम माय हस्बैंड, तो हम लोग इधर पूरा लखनऊ एक्सप्लोर करने निकले हैं जी। सो वी आर हियर राइट फ्रॉम 10 AM जी, तो हम लोग आज पूरा शाम तक ऐसे ही अपना वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करेंगे। थैंक यू। तो भाई मैम ने तो अपना बता दिया कि उनके हस्बैंड अभी साथ में नहीं है, फिलहाल वो फ्रेंड्स के साथ अपना वैलेंटाइन मनाने वाली है। तो अब हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि वो अपना वैलेंटाइन कैसे मना रहे हैं। क्या नाम है आपका? हेलो, माय नेम इज़ डॉक्टर चेरी दे जी। मैम अब वैलेंटाइन आप कैसे मना रहे हैं? आई एम सिंगल, सो दीज थिंग्स डजंट मैटर टू मी एक्चुअली। नहीं तो वैलेंटाइन के लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्सन साथ हो रहा है, कई लोग अपने पेरेंट्स के साथ भी मनाते हैं, तो हर कोई अलग अलग अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट करता है। तो आप कैसे सेलिब्रेट करेंगे? एक्चुअली आई एम अवे फ्रॉम माई पेरेंट्स ऑल्सो, फ्रॉम माई होम ऑल्सो, आई एम हेयर टू स्टडी, तो मेरे लिए इट्स अ वेरी नॉर्मल डे। भाई इनके पेरेंट्स भी नहीं है, इनका कोई वैलेंटाइन भी नहीं है, फिलहाल ये अपनी सर्चिंग में लगी हुई है। हम कुछ और लोगों से भी बातचीत करते हैं और लोगों को भी ढूंढते हैं कि किस तरीके से वो अपना वैलेंटाइन बनाने वाले हैं। तो मैम क्या नाम है आपका? हाय, माय नेम इज़ डॉक्टर दीक्षा जी। अच्छा, सभी डॉक्टर्स यहाँ पे हमको मिल रहे हैं, क्या बात है। मतलब ऐसा लग रहा है कि हम किसी मेडिकल कॉलेज में आ चुके हैं। सभी डॉक्टर्स आज वैलेंटाइन मनाने निकले हैं, तो किस तरीके से आप अपना वैलेंटाइन मना रहे हैं? एक्चुअली दिस इज नॉट अबाउट वैलेंटाइन, वी आर जस्ट सेलिब्रेटिंग आवर डे, अ हैप्पी डे जी। तो आई एम विद माय फ्रेंड्स जी, तो लखनऊ एक्सप्लोर कर रहे हैं थोड़ा सा सिर्फ, कि दे आर फ्रॉम आउटसाइड, आई एम फ्रॉम लखनऊ जी। ओके, तो दैट्स इट ओनली। तो वैलेंटाइन में मतलब, अच्छा वैलेंटाइन कोई ढूंढ रहे हैं? नहीं, आई एम नॉट इन अ सर्च ऑफ वैलेंटाइन, आई एम गुड विद माय फ्रेंड्स जी। भाई ये भी अपने फ्रेंड्स के साथ में एक्सप्लोर कर रही हैं और अपना वैलेंटाइन बना रही हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में। हेलो, कैसे हैं? बढ़िया। ये बताइए कि किस तरीके से आप अपना वैलेंटाइन बना रहे हैं? बहुत अच्छे तरीके से बना रहे हैं, बहुत अच्छे करा रहे हैं हमें यहाँ पे शॉपिंग करा। क्या नाम है आपका? साध्वी। अच्छा, तो शॉपिंग कराना सिर्फ वैलेंटाइन है, बाकी और क्या कुछ प्लान आउट किए होंगे? कहीं किया तो है, मुझे क्या बताऊँ इन्होंने किया होगा। अच्छा, तो ये सरप्राइज है इनके लिए, तो आप कुछ तो बताएं आप किस तरीके से बना रहे हैं? जी मैम, बहुत अच्छा मना रहे हैं, बहुत अच्छा मना हम रहे दोनों साथ में हैं। हाँ, और हम लोगों की एंगेजमेंट भी हो चुकी है जी, तो इसीलिए जी। तो शॉपिंग चल रही है जी। ओके ग्रेट। भाई इन लोगों ने अपना वैलेंटाइन चुन लिया है और इनकी शादी वगैरह भी तय हुई है, तो अभी ये लोग शॉपिंग पे निकले हैं वैलेंटाइन मनाने के लिए, और लोगों को भी ढूंढते हैं कि वो अपना वैलेंटाइन कैसे मना रहे हैं। तो आइए, हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं लव लेन मार्केट में। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि सब जगह एक अलग सा माहौल बना हुआ है, सब अपना वैलेंटाइन मनाने के लिए आए हैं। यहाँ पे कुछ लोग भी और हैं। क्या नाम है मैम आपका? दिव्यांशी। दिव्यांशी, दिव्यांशी आप वैलेंटाइन कैसा बना रहे हैं? सिंगल है। सिंगल है, तो स्टिल यू आर सर्चिंग योर वैलेंटाइन? देखो पता नहीं मिलता है कि नहीं मिलता, आपको पता नहीं है? ठीक है, वैसे भी कई लोग अपने पेरेंट्स के साथ भी मनाते हैं, तो ऐसा कुछ आपने सोचा है कि किस तरीके से? हाँ, फैमिली के साथ भी मनाते हैं, जरूरी नहीं है लव ऐसा ही हो। हाँ जी। आपका नाम क्या है? शिवम। आप वैलेंटाइन डे में कितना बिलीव करते हैं? थोड़ा बहुत करते हैं। तो आपको लगता है कि मतलब ऐसा वैलेंटाइन डे या ऐसा कोई दिन होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। शादी जी, परसों मेरा तिलक हुआ है। परसों आपका तिलक हुआ है, तो ओके ग्रेट है। परसों इनका तिलक हुआ है, इनको अपनी वैलेंटाइन मिल चुकी है और अभी फाइनल करने वाले हैं। और किस तरीके से, अब क्योंकि आपका फर्स्ट वैलेंटाइन एक तरीके से पड़ेगा, तो आप किस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे अपनी वैलेंटाइन को? क्या गिफ्ट देने वाले हैं? उन्हीं के गिफ्ट के लिए यहाँ पे हम आए हैं। उनकी गिफ्ट के लिए हमारी सिस्टर इनके साथ में है। अच्छा, उनकी सिस्टर? नहीं, उनकी सिस्टर, हमारी सिस्टर उनकी गिफ्ट के लिए इनके लेके आए हैं। अच्छा, गिफ्ट के लिए आए हैं। तो क्या प्लान किया है? क्या मतलब ज्वेलरी देने वाले हैं, कोई ड्रेस देने वाले हैं? क्या ड्रेस देने वाले हैं? ड्रेस देने वाले हैं।
ग्रेट भाई, इन्होंने अपनी वैलेंटाइन देख रखी है और वैलेंटाइन के साथ एंगेजमेंट भी हो चुकी है और उसी के लिए अपने गिफ्ट देख रहे हैं। अभी कुछ और लोग भी हम देखते हैं कि कौन अपना वैलेंटाइन किस कुछ अलग तरीके से क्या मना रहा है। तो क्या नाम है आपका? साहिल, क्या करते हैं आप? Actually, I'm student right now. Student? Yeah. तो Valentine तो आप जानते ही होंगे? Obviously. है ना? तो ये बताइए, साहिल आजकल कोई भी पीछे नहीं है, तो आप कैसे Valentine मना रहे हैं अपना? Actually, अभी तो single है. अभी single है. भतीजियों को घुमाना पड़ रहा है. भतीजियों को घुमाना पड़ रहा है. तो अभी कुछ और लोग भी मौजूद हैं यहाँ पे, पूछते हैं. हेलो मैम, क्या नाम है आपका? शालिनी यादव. शालिनी जी, ये बताइए कितना बिलीव करती हैं ये वैलेंटाइन डे में? करते थे लेकिन 50% तो आप तो मैरिड हैं और आपको अपना वैलेंटाइन मिल ही चुका है, तो क्या एक्सपेक्टेशन रहती है आपकी अपने वैलेंटाइन से? बस यही कि अच्छे से ख्याल रखे, केयर करे हमारी जी, और बस थोड़ी सी खुशी दे बस. अच्छा, आपको लगता है वैलेंटाइन डे जैसा मनाना चाहिए? किसी को भी कर सकते हो. ठीक है, और बहुत अच्छा. और बाकी आज क्या दिला रहे हैं वैलेंटाइन पर? अभी तो यहाँ पे जींस दिलाने आए, फिर शाम को देखते हैं कहाँ ले जाते तो ग्रेट, बहुत अच्छा इनका एक विचार था कि ज़रूरी नहीं है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही वैलेंटाइन हो. वैलेंटाइन डे का प्यार का दिन है, वो हम अपने पेरेंट्स के साथ भी मना सकते हैं. और अपनी वाइफ को आज शॉपिंग कराने लाए हैं और शाम का भी कुछ इनका प्रोग्राम है. तो अब हम कई लड़कियों से बात कर चुके हैं, तो अब एक भैया जी भी हमारे साथ मौजूद है, वो भी अपने वैलेंटाइन के बारे में कुछ बताना चाहते हैं. क्या नाम है आपका? इब्राहिम नाम है मेरा. इब्राहिम, अच्छा ग्रेट. इब्राहिम जी, अभी बताइए कि किस तरीके से आप अपना वैलेंटाइन मनाने वाले हैं? वैसे तो मैं वैलेंटाइन डे में बिलीव नहीं करता कि प्यार का कोई दिन नहीं होता. और बाकी तो एंगेजमेंट हो गई हमारी, तो जो मेरी वैलेंटाइन है, मिलने का बहुत मन है लेकिन इजाज़त नहीं हम लोग को. हाँ, तो आप दुआ करिए, हो जाए कुछ. दुआ हम बिल्कुल दुआ करेंगे आपकी कि आप अपने वैलेंटाइन से मिल पाए. तो क्या सरप्राइज अगर मिल जाएंगी तो किस तरीके से आपका रिएक्शन क्या होगा? एक्शन तो कुछ नहीं है, कुछ गिफ्ट तो सोचा होगा? गिफ्ट जो मांगेंगे वो दिया जाएगा. जो मांगेंगे वो दिया जाएगा. कोई सरप्राइज प्लान करिए, अचानक से मिल गई तो आप कैसे? जैसे मेरे लिए उनसे मिलना एक सरप्राइज है, तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि उनके लिए भी मेरा मिलना सरप्राइज है. मैं ही उनके लिए सब कुछ हूँ. गिफ्ट क्या चीज़ है? एक वक्त आएगा वो चीज़ बन जाएगी, कहीं सज जाएगी अलमारी में, खाने चीज़ों ली खा ली जाएगी. असल तो मेरे लिए वो एक है प्रेशियस थिंग जो है, वो मेरे लिए वो है जी. तो मेरी उम्मीद ये है कि उनके लिए मैं हूँ. गिफ्ट क्या है तो कोई भी दे सकता है. बात बोली इब्राहिम जी ने कि भाई गिफ्ट क्या चीज़ है, अगर कोई भी गिफ्ट देंगे तो वो किसी अलमारी में सज जाएगी और खाने की चीज़ देंगे तो वो खा ली जाएगी. लेकिन मेन तो ये होता है कि हम लोग का एक दूसरे से मिलना ज़रूरी है, वही सही मायने में वैलेंटाइन होगा. तो हम कुछ और लोग भी ढूंढना चाहेंगे, अभी कुछ और लोग भी देखेंगे कि वो अपना वैलेंटाइन कैसे मनाने वाले हैं. तो आइए और चलते हैं. ओ, एक और मैम एक हमारे साथ में मौजूद हैं, वो क्या कहती हैं वैलेंटाइन के लिए, सीधे बात करते हैं. क्या नाम है आपका? खुशबू. खुशबू मैम, अच्छा खुशबू जी ये बताइए किस तरीके से आप अपना वैलेंटाइन मना रही हैं? हस्बैंड के साथ मना रही हूँ. हस्बैंड के और आज एनिवर्सरी भी है. ग्रेट. 15 साल हो गए शादी को जी. दो बच्चे हम हो गए. पंद्रह साल से आप वैलेंटाइन मना रहे होंगे, तो कुछ ना अलग अलग ना अपना कुछ रहता है. तो क्या आप मतलब ऐसा कुछ दिन खास, इस दिन को खास बनाने के लिए क्या करते हैं? घूमने जाते हैं और बच्चों को घर पे छोड़ देते हैं, अकेले घूमते हैं. अच्छा, अकेले घूमते हैं. तो आपकी कितनी जेब खाली होती है आज के दिन? सब इन्हीं का है, इन्हीं के लिए आदमी कमा रहा है, फैमिली के लिए कमा रहा है. तो आज के दिन कुछ स्पेशल रहता होगा, जैसे उन्होंने बताया कि बच्चों को घर छोड़ के निकल जाते हैं, तो कहाँ निकल जाते हैं और कैसा आपका मन करे? जैसे हम लोग देवरिया से आए हैं, सोच लीजिए, स्पेशली घूम रहे हैं लखनऊ. कल मॉर्निंग में हम लोग आगरा ताजमहल में रहेंगे जी. ऐसे इसी तरह का प्लानिंग होता है 2-3 दिनों का, एक साल में. हाँ, एक साल में जो है 3-4 दिन तो इनके लिए स्पेशली देना ही पड़ता है. तो बच्चे नहीं पूछते मम्मा कहाँ चली गई, पापा कहाँ? वो सपोर्ट करते. वो भी सपोर्ट करते. कितने बड़े बच्चे हैं आपके? एक 9th में, एक 3rd में.
अच्छा, तो मतलब उनको पूरी ट्रेनिंग है कि हाँ मम्मा पापा जा, हाँ एनिवर्सरी के दिन छोड़ना है, हाँ अकेले छोड़ना है। अच्छा भाई, ये लोग तो देवरिया से हैं और अपना पूरा वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, और इनका कहना ये भी है कि हम लोग, हमने बहुत ही मतलब कम से कम 3 या 4 दिन का प्लान आउट लेके चलते हैं, और अभी इनकी एनिवर्सरी भी है, तो एनिवर्सरी और वैलेंटाइन दोनों साथ में मिल रहे हैं। 3-4 दिन से ये लोग अपना वैलेंटाइन मना रहे हैं और बच्चों को खासकर अपनी दादी के पास छोड़ रखा है, ताकि इनके वैलेंटाइन का जो इन्होंने अपना प्रोग्राम बना रखा है उसमें कोई भी खलल ना पड़ने पाए। कैमरा पर्सन रश्मि के साथ मैं श्वेता गर्ग, प्राइम टीवी, लखनऊ।